गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट चार में जो बाकी है उसको आगे पढ़ाऊंगी। तो आज हम भारत के प्राचीन विद्यापीठों के विषय में जानेंगे। विद्यापीठ हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो होता है। पहला है नालंदा। नालंदा बिहार के पटना जिले के बड़गांव नामक के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। हमारा नालंदा विद्यापीठ कहाँ स्थित है? बिहार के पटना जिले में जो बड़गांव है उसी जगह स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्व था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी और उसका बहुत ही मतलब शिक्षा तो वहाँ हर प्रकार की दी जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जैन और बौद्ध धर्म को मान्यता वहाँ पर दिया जाता था। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किए। इस नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय में हमारे महावीर स्वामी ने अपना समय व्यतीत किया, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया और अपने द्वारा लोगों को ज्ञान भी दिया और कितने सारे ग्रंथ भी यहाँ पर लिखे गए। इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ यानी जैन लोगों का मंदिर भी बन गया। 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया था। मतलब 5वीं सदी में सम्राट कुमार गुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया। वो विहार आगे जाकर नालंदा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि उस विहार को आगे जाकर प्रसिद्धि मिली जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय पड़ा। वहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। भारतीय संस्कृति का एक यह तीर्थ धाम था, भारतीय लोगों का यह एक तीर्थ धाम था, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए उन लोगों को एक मंदिर से उन लोगों के लिए ये कम नहीं था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। देखो आज के ज़माने में क्या है, यहाँ के विद्यार्थी विदेश में अध्ययन करने जाते थे, लेकिन पहले के ज़माने में 5वीं सदी में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ पे ज़्यादातर विदेश के लोग आके यहाँ पर अध्ययन करते थे। इतना बड़ा हमारा विशाल ये नालंदा विश्वविद्यालय था और यहाँ पे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर उस समय 5वीं सदी में उस समय वहाँ पर 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे और वहाँ पर 20,000 शिक्षक थे। लगभग 15 से 20 बच्चे एक कमरे में बिठा कर पढ़ाए जाते थे और वहाँ पर कोई दबाव नहीं था। जिन बच्चों को जिस विषय में रुचि हो उस विषय का उनको ज्ञान दिया जाता था। महान यात्री ह्यू एंड सॉन्ग भी यहाँ आया। महान यात्री यानी जो चीनी यात्री ह्यू एंड सॉन्ग था वो भी यहाँ पर आया और वहाँ यहाँ पर रहकर उसने भी अध्ययन किया। आज तो इस महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर ही देखने को मिलते हैं। आज अब देखा जाए, अगर आप जाकर देखेंगे तो सिर्फ वो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है वह उसके सिर्फ खंडहर ही देखने को मिलते हैं। बच्चों इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो खंडहर किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय बन गया उसका एक कारण है। देखो 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, ठीक है। वहाँ पे अनेक आचार्य अनेक विद्यार्थी पढ़ के यहीं से आगे निकले, लेकिन 6वीं सदी में तुर्की शासक खिलजी उस समय हिंदुस्तान पर राज करता था। तुर्की शासक कौन था? बख्तियार खिलजी, उसका पूरा नाम था महमूद बख्तियार खिलजी। उस समय वो हिंदुस्तान पर राज करता था और जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय ये राजगीर का उपनगर माना जाता था, यानी कि जैसे किसी एक राज्य में कोई फेमस जगह हो वैसे ही उस समय अपना नालंदा था। और नालंदा जो था उस समय कुछ समय की बात है, लोगों का पहले के प्राचीन लोगों का मानना है कि बख्तियार खिलजी जो था वो लोगों पे हमेशा अत्याचार वगैरह करता था। वो अपने बल के ताकत पे लोगों को हराता, उसके पास दिमाग नहीं था लेकिन उसके पास बल की वजह से उसका विनाश भी होता, उसी कारण उसने बल के ताकत से ही अपने नालंदा विश्वविद्यालय को जला भी डाला था। एक समय की बात थी, बख्तियार खिलजी वो बहुत ही बीमार पड़ गया था। तुर्की मुसलमान जो थे उन्होंने बड़े से बड़े अरे मुसलमानों के जो कहते हैं ना कि डॉक्टर
यानी वैद्य, मुस्लिम वैद्य को बुलाया, बड़े से बड़े ओझा सोखा लोग को बुलाया, पर उनके झाड़ने और दवा देने की वजह से भी उसको आराम नहीं हुआ। तो उस समय अपने नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, आयुर्वेद विभाग के आचार्य थे राहुल श्रीभद्र जी, उनके बारे में उसने सुना कि वो उनके किए गए उपचार से हर कोई ठीक हो जाता था, लेकिन उसको ये चीज़ सहन नहीं थी कि कोई हिंदुस्तानी आके उसका इलाज करे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था नहीं, हमारे मुसलमान में अगर कोई हिंदुस्तानी आके इलाज करे तो उन लोग छोटे माने जाएंगे या तो उनकी बदनामी होगी। फिर भी वो दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती गई। तो एक बार उसने अपने सैनिकों को भेज के नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य श्रीभद्र जी को बुलाया, जो आयुर्वेद विभाग के थे, यानी कि वैद्य थे, बुलाया और उन्होंने बताया कि तुम मेरा भले से इलाज करोगे लेकिन मैं कोई हिंदुस्तानी दवा से नहीं खाऊंगा और मुझे कोई हिंदुस्तानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी नहीं चाहिए। तो श्रीभद्र जी से उसने ये भी कहा कि अगर तुम मेरा इलाज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अगर मुझे कोई हिंदुस्तानी दवा गलती से भी दी तो उसके लिए भी मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। तो आचार्य श्रीभद्र जी उसका प्रस्ताव यानी कि उसकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और वह चले जाते हैं वहाँ से। फिर वो कुछ दिन के बाद वहाँ उसके लिए कुरान लेके आते हैं। बच्चों, जो तुर्की इस्लाम यानी मुसलमान रहते हैं उनको कुरान यानी जैसे हमारा रामायण भगवद गीता होता है वैसे उन लोग को कुरान होता है। जैसे हम लोग रामायण भगवद गीता का पाठ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे वो लोग कुरान का रोज पाठ करते हैं। तो शीलभद्र जी ने, आचार्य जी शीलभद्र थे, उन्होंने उनको ये कुरान ला के दिया और कुरान ला के दिया, बोला कि इसके रोज कुछ पन्ने आप पढ़ा करो। तो खिलजी उस बात को मान गया कि अरे ये तो कुरान है जो कि हमें रोज़ पढ़ते हैं, वैसे तो इसको पढ़ने में क्या है। तो खिलजी रोज क्या ना 10 से 15 पेज पढ़ता था, लेकिन जब वो एक पेज पढ़ता था बच्चों तो दूसरा पेज पलटने के लिए वो अपने थूक का सहारा लेता था, उंगली में अपने थूक लगा के उस पेज को पलटता था। तो आचार्य राहुल श्रीभद्र जी जो थे श्रीभद्र जी वो क्या काम किए, उन पन्नों में अरे आयुर्वेदिक दवा का लेप लगाए थे। वो जब पन्ने को पलटता तो थूक के सहारे लगा के उंगली से उसको पलटता, तो वो उसकी उंगली से वो दवा उसके थोड़ा थोड़ा मतलब खुराक की तरह उसके अंदर जाती। वो 10-15 पेज पड़ता तो उसके हिसाब से जितनी उसको दवा की ज़रूरत रहती दिन भर में उतना उसके शरीर में चला जाता। धीरे धीरे करके वो बख्तियार खिलजी वो ठीक तो हो गया, लेकिन कैसे उसको ये बात सहन नहीं हुई कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर यानी हिंदुस्तानी वैद्य आकर उसका इलाज करे और वो ठीक हो गया। आखिर में ऐसा क्या है इस नालंदा विश्वविद्यालय में, उसने कैसा एहसान मानने की जगह आचार्य राहुल श्रीभद्र जी का हत्या करवा दिया। और उससे इतना करने के बावजूद उसने क्या सोचा कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी आयुर्वेद की चीज़ें हैं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, आगे चल के हमारी ये हिंदुस्तानी हमसे आगे न बढ़ जाए। उसने क्या काम किया, अपने सैनिकों को भेज के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया बच्चों। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि उसमें इतनी सारी किताबें थी कि उसको जलने में 3 से 4 महीने उसमें आग भगकती रही, मतलब उतनी पुस्तकें थी कि उसको जलने में वो विश्वविद्यालय को 3 से 4 महीने लग गए थे। तो बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद भी कैसे उसको वो शांति नहीं मिली। उसने क्या काम किया, अगल बगल राज्य में जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे, जो आचार्य थे, उन सबकी हत्या कर दी। इतना करने के बाद वो बिहार पर अपना कब्जा जमा लिया। बिहार पर कब्जा जमाने के बाद फिर उसने तिब्बत साइड जाकर अलीमदार के साथ समझौता किया। तो अलीमदार के साथ रहने के बाद क्या हुआ, दिन ब दिन उसकी थोड़ी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और अलीमदार ने मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। तो बच्चों, ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारा किस तरह खंडर बना उसकी कहानी मैं आपको आज समझा दी। अब है, नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी पढ़ के जाता था उसको आदर्श यानी सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी माना जाता था। ईसा की 5वीं सदी से 11वीं सदी दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था। ईसा की 5वीं सदी के से लेकर 11वीं सदी के दौरान यह सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे, तक्षशिला तथा
नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। मतलब तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पर आते थे। इनमें से ह्यूएन सॉन्ग ही 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ वो चीन ले गया था। 7वीं सदी में ह्यूएन सॉन्ग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। वो अपने पुस्तक में लिखा था कि उस महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 300 कक्ष थे, मतलब व्याख्यान के लिए 300 कक्ष थे, मतलब वहाँ पर रहने के लिए वहाँ पर 300 कक्ष बनाए गए थे। विद्यार्थियों को रहने के लिए खास मठ भी बनवाए गए थे और विद्यार्थियों को वहाँ रहने के लिए खास मठ भी बनवाए गए थे। व्याख्यान यानी कि जहाँ वो पढ़ाई लिखाई कर सके ऐसे 300 कक्ष बनवाए गए थे। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे, मतलब विद्यापीठ यानी कि वो नालंदा विद्यापीठ आगे बढ़ता रहे इसलिए कई गांव वाले मिलकर उन्हें दान देते थे अनाज के रूप में, जिससे वहाँ पे रहने वाले विद्यार्थी अपना भरण पोषण यानी खा पी सके। जैसे आज के ज़माने में हॉस्टल की सुविधा है, वैसे उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा बच्चों की दी जाती थी। जो बाहर देश से विदेश से बच्चे आते थे वहाँ पर रहते थे, पढ़ते थे, खाते थे और अपना अध्ययन करते थे। गांव से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। जो गांव से दान मिलता था उसी से बच्चों को फ्री में खाना और वस्त्र भी दिया जाता था। यहाँ के ग्रंथालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। यहाँ का जो ग्रंथालय क्षेत्र है वो धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों। ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि विद्या केंद्र के रूप में हुई थी। ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय के केंद्र के रूप में जाना जाता था। अब है दूसरा तक्षशिला। वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी के पास पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। जब हमारे भारत का बच्चों विभाजन हो गया है इसलिए अपना तक्षशिला प्राचीन में है। वह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर बना। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी और इस यूनिवर्सिटी में 64 विद्याओं की मतलब 64 विषय का शिक्षा दिया जाता था। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। यहाँ तक्षशिला में क्या होता था, विद्यार्थी जो थे वो गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे और गुरु की सेवा करते थे, अपने हाथ से खाना पकाते थे और खाने का जुगाड़ भी वो खुद करते थे और उनके आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई भी करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे जीवक वो यहाँ पे रहकर आयुर्वेद के पाठ के विषय में सीखे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं या तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी यहाँ तक्षशिला में अध्ययन किया। जो चाणक्य थे जो हमारे अर्थशास्त्र की रचना किए हैं। दंत कथा अनुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र के तक्ष के नाम से इस स्थल का नाम तक्षशिला रखा गया। बच्चों को कितने लोगों का मानना है कि भरत के पुत्र के नाम से तक्ष के नाम से इस स्थल का नाम रखा गया और कितने लोगों का मानना है कि तक्ष पर्वत यानी वहाँ पे सांपों का डेरा रहता उसके नाम से इसका तक्षशिला का नाम पड़ा। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या के रूप में प्रसिद्ध था। विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा सकते थे, उसमें मतलब कोई लिमिट नहीं था। कोई शिक्षक कितने भी विद्यार्थी को एक साथ पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे।
फिर भी सामान्यतः लगभग एक शिक्षक के पास 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगिरी, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। इन सब नगरों से विद्यार्थी दूर दूर से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वाराणसी के राजकुमार यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रह करके पढ़ते थे। यह सामान्य स्थिति यानी कि जिन बच्चों को आने जाने की सुविधा नहीं हो, उतनी आवक नहीं थी, तो वो गुरु के आश्रम में ही रह कर अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे। यहाँ वेद शास्त्र क्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे मतलब हर तरह की विद्या दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पे हमारे मौर्यकालीन युग के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने भी तक्षशिला में विद्या प्राप्त की थी। अब है वाराणसी। वाराणसी कहाँ स्थित है? काशी में। वाराणसी एक यात्रा धाम के रूप में जाना जाता है। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र बना। यह 7वीं सदी में भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र बना। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उपनिषद काल में यह आर्य की संस्कृति के रूप में यह केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि वेद व्यास का आश्रम यहाँ होने का उल्लेख है। मतलब अध्ययन के दौरान पता चलता कि व्यास संहिता में जो महर्षि वेद व्यास थे उनका आश्रम यहाँ वाराणसी में होने का उल्लेख मिला है। भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। भगवान बुद्ध ने अपने मत यानी कि उनके मन का जो उपदेश था उसके प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी को ही पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्वज्ञ और अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यहीं प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतरण करना पड़ा था तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे थे। पंजाब में जब विद्वानों का स्थानांतरण यानी एक जगह से जब दूसरी जगह जाना पड़ा था तो वो कहीं और नहीं, कुछ लोग काशी में आके बसे और कुछ लोग कश्मीर में जाकर बसे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। मतलब जो बड़े बड़े राजा थे उनके पुत्र यानी उनके राजकुमार भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रय से वाराणसी का सारनाथ प्रसिद्ध विद्याधाम बना। सम्राट अशोक के आश्रय से मतलब उनके कहने अनुसार वाराणसी में उनका सारनाथ का स्तंभ जो है वो एक प्रसिद्ध, उसके कारण यह वाराणसी एक विद्याधाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब है बच्चों वल्लभी। ईस्वी सन की 7वीं सदी में गुजरात का यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। मतलब यह गुजरात का विद्याधाम एक ये शिक्षा का क्षेत्र था। शिक्षा का क्षेत्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिक का विशेष योगदान था। वल्लभी को विद्याधाम बनाने के लिए मैत्रक वंश के राजाओं यानी शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान था। 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीन ज्ञान पंथ का केंद्र था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रगण्य आचार्य थे। मतलब वल्लभी विद्यापीठ के ये महान आचार्य थे।
स्थिरमती और गुणमती नाम था। सुदूर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में से ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। वो गंगा यमुना को पार करके वहाँ से विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। चीनी यात्री इस सिंह ने लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी। मतलब वल्लभी है, अगर देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के से वो स्पर्धा करती थी, यानी कंपटीशन करती थी। वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। मतलब वल्लभी एक तो विद्या का धाम था, यानी विद्या का केंद्र था, और साथ में ही वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भी है और एक बंदरगाह भी है। ईस्वी सन 480 से ईस्वी सन 775 तक वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। मैत्रक वंश के जो राजा थे वो विद्यापीठ के महान आश्रयदाता, यानी कि उसको विद्यापीठ में जिन चीज़ों की कमी होती थी वो उसको पूरा करते थे, यानी कि उसको आश्रय, यानी अपने सहायता के द्वारा उसको पूरा करते थे, उसको आश्रयदाता कहते हैं। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे, फिर भी इस संस्था की सहायता करते थे। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि वो मैत्रक वंश के राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के नहीं थे, वो सनातनी थे, फिर भी वो इस विद्यापीठ को सहायता करते थे। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुए। ईस्वी सन 775 में अरबों ने मैत्रक वंश के राजा के ऊपर वार किया, यानी आक्रमण किया, तथा विद्यापीठ बंद हो गया और वो विद्यापीठ बंद पड़ गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजों पर लिखे जाते हैं, यहाँ के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं उनका नाम दरवाजे पे लिखा जाता है। विद्वान राजसभा में अपनी पांडित्य दिखाकर राजतंत्र में ऊंचे अधिकार प्राप्त करते थे। विद्वान जो है राजसभा में अपना मतलब उनका जो गुण है उसको दिखाकर वो अपना अधिकार प्राप्त करते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन सुसंस्कृत विश्व में यह प्रसिद्ध थी। वल्लभी जो है वो अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इसमें सभी विद्या के स्वरूप में यानी विद्या से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्माण राजाओं और श्रेष्ठियों द्वारा मिले दान से होता था। ये जो विद्यापीठ है, चाहे वाराणसी हुआ, चाहे वल्लभी हुआ, चाहे तक्षशिला हुआ या नालंदा हुआ, ये क्या है, गाँव से और राजाओं के दिए हुए दान के द्वारा ही ये विद्यापीठ चलती थी। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है। ये जो तत्कालीन समाज है ये विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है कि लोग अपने तरफ से दान करके इस विद्यापीठ को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय विश्व कला और ज्ञान की शिक्षा देने वाली ये विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियाँ थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज आपको ये चारों विद्यापीठ के विषय में समझ में आया होगा। बच्चों, हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये मुसलमान, तुर्की मुसलमान के अन्य आक्रमण करके हमारी बनाई हुई विरासत को जगह जगह जला दिया, ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। इसी कारण ये सब विद्यापीठ के अब मात्र खंडहर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं अब आपको 5 पाठ पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।